जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने वन विभाग के रेंजर के लिए 50,000 की रिश्वत लेते एक दलाल को गिरफ्तार किया है। रिश्वत राशि वन विभाग की जमीन पर बनाए गए कमरों को गिराने के मामले में मांगी गई थी। शिकायत का पुलिस उप महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव द्वारा सत्यापन करवाया गया। साथ ही आज ट्रैप का आयोजन कर रावटी रोड सूरसागर निवासी शिवदान चारण को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में संदिग्ध आरोपी वन विभाग रेंजर हरिराम बिश्नोई की भूमिका के संबंध में जांच की जा रही है। सिंह द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पे हमारी चौकी पे संपर्क किया गया, तो उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि उसका एक रावटी पे प्लॉट आया हुआ है। उस प्लॉट में पहले कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर हरिराम बिश्नोई द्वारा उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया। और फिर जब वहाँ पे जाके उससे पूछा गया, तो उसने कहा था कि तुम्हारे जो पड़ोस है उसको पूछ लेना। उसने आइडिया लगा के 3,000 रुपये और दारू की बोतल जो मांगी गई थी पहले दे दी गई थी, ये रिपोर्ट का कहना है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली डिस्कॉम को रिन्यूएबल बिजली बेचने वाले उपभोक्ताओं को बढ़ा